वाड़ी की एक महिला के साथ बीते 14 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी पर किट्टीकदान पुलिस थाने में मंगलवार को शोषण का मामला दर्ज हुआ। पुलिसकर्मी सदर MIDC में भी कार्यरत था, हेडक्वार्टर से सेवानिवृत्त होने की जानकारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी नटराज सोसाइटी गोरेवाड़ा रोड निवासी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी राज बहादुर सिंह दीनदयाल चौहान उम्र 59 बताया गया। फिरियादी महिला ने बताया कि 2005 में पति की मृत्यु हुई, तब अकेले ही बच्चों को लेकर रहती थी। घर के लोगों के साथ विवाद होने के बाद महिला गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन की ओर पैदल जा रही थी, तब आरोपी चौहान ने लिफ्ट दी। चलते चलते पीड़ित महिला का विश्वास आरोपी ने जीत लिया। आरोपी ने महिला को थाने में मदद करने का आश्वासन दिया। पहले ही घर से परेशान महिला पुलिस के जाल में आ गई। तब से आरोपी पुलिस कर्मी ने महिला के घर आना जाना शुरू कर दिया। करीबन 3 साल तक महिला ने आरोपी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने झूठ बोला कि मुझे भी पत्नी नहीं है, मैं भी अकेला हूँ, हम साथ में रहेंगे, मैं पुलिस में हूँ। इस झूठे जाल में महिला आ गई। वो दोनों के प्रेम संबंध बढ़ गए। महिला को 2 लड़कियां हैं। उनके पालन पोषण के लिए महिला ने पुलिस कर्मी की मदद ली। घर के लोगों की परेशानी से महिला इतनी परेशान थी कि उसे मदद की आवश्यकता है। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला को कलमेश्वर के एक फार्म हाउस पर ले जाकर दुष्कर्म किया। यहाँ पर महिला ने विरोध जताया, लेकिन आरोपी 2012 तक महिला को कहीं पर भी ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाते रहा। शादी का झांसा देकर करीब 14 साल तक दोनों एक साथ रहे। शारीरिक संबंध होने से चलते कई बार महिला गर्भवती भी रही, लेकिन आरोपी ने उसे जबरन गर्भपात की गोलियां देकर गर्भपात करने को कहा। 2012 में जब महिला ने अपने घर बनाने का काम शुरू किया, तब आरोपी पुलिसकर्मी ने अपने घर का सामान महिला के घर लाकर डेरा डाला। जून 2013 में फिर महिला गर्भवती रही, तब विद्या सुतो ने दत्तवाड़ी में 2013 को गर्भपात किया। फिर 1 नवंबर 2013 को दत्तवाड़ी स्थित आशा हॉस्पिटल वाड़ी में गर्भपात किया। दोनों वक्त पति के रूप में आरोपी राज बहादुर सिंह चौहान का नाम दर्ज होने की जानकारी पीड़ित महिला ने दी। मां ने बना के लिए घर पर आरोपी की नजर थी। नाम पर कर देने की मांग आरोपी बार बार महिला को करता था, जिसके कारण दोनों में 2016 से हमेशा विवाद का सिलसिला शुरू हुआ। पीड़ित महिला के लड़कियों को भी आरोपी मारता था। पुलिस में होने से बार बार महिला को मारने की धमकी देकर परेशान करने लगा। 2019 में जब आरोपी सेवानिवृत्त हुआ, तब उसने महिला से मिलना जुलना कम कर दिया। वह अपनी महिला पत्नी के पास रहने लगा। 24 जून 2020 को महिला जब आरोपी के घर गई, तब आरोपी ने वह महिला के साथ जमकर मारपीट की। अपने साथ राज बहादुर ने धोखा किया। यह बात ध्यान में आते ही महिला ने गिट्टीकदान थाने में 25 जून 2020 को लिखित शिकायत दर्ज की। लगातार महिला न्याय मिलने के लिए किट्टीकदान पुलिस स्टेशन से 5 से 6 बार चक्कर काटती रही, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मी होने के कारण किट्टीकदान पुलिस महिला को न्याय नहीं दिला सकी। 31 जुलाई 2021 को पुलिस ने दोनों में समझौता कर महिला को समझाया। बावजूद महिला के घर आरोपी जबरन आकर दुष्कर्म करता रहा, फिर पीड़ित महिला ने गिट्टीकदान थाने में 12 जून 2021 को महिला गिट्टीकदान पुलिस स्टेशन शिकायत लेकर गई, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं ली। फिर महिला DCP विनीता शाहू से मिली। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से शिकायत करने के बाद 29 जून 2021 को गिट्टीकदान पुलिस स्टेशन ने आरोपी नटराज सोसाइटी गोरेवाड़ा रोड निवासी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी राज बहादुर सिंह दीनदयाल चौहान उम्र 59 पर महिला की शिकायत के अनुसार कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी अब फरार है। आगे की कार्रवाई गिट्टीकदान पुलिस कर रही है। माझे मिस्टर 2004 मध्ये मरण पावले, त्यानंतर माझ्या सासरच्या लोकांनी मला त्रास दिला, म्हणून मी गिट्टीकदान पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट देण्यासाठी काटोल बायपासनी पायदळ पायदळ जात असताना काटोल नाक्यावर मला राजबहादूर चव्हाणची मी लिफ्ट देतो ह्या नात्याने भेट केली आणि मला मदत करतो असं सांगून पोलीस स्टेशनपर्यंत नेऊन दिले। रस्त्यात त्यांच्या ओळखीचं कोणी जे मिळालं त्यांनी माझी माहिती त्यांना दिली की काय मला माहीत नाही, पण तिथून 8 दिवसात तो माझ्या घरपर्यंत पोहोचला माझी माहिती घेता घेता, आणि त्यांनी माझ्या घरपर्यंत संबंध चालू केले, माझ्यासोबत बोलणं चालणं चालू केलं, माझ्या घरी नियमित येणं चालू केलं। मी त्याला सतत मनाई करत राहिली की तुम्ही माझ्या घरी येऊ नका, कारण लोक मला बोलतात, माझे सासरचे लोक मला टोकतात की हा कोण परका माणूस घरी येऊ देते, तरीही तो जबरदस्तीने यायचा, माझ्या पाठलाग करायचा, मी जिथे काम करायची तिथे येऊन दिवस बसायचा। असंच करता करता 1 वर्ष निघून गेलं, तो जबराईच करत राहायचा आणि 1 वर्षानी असेच मी मानसिक त्रासात असताना मला चला आपण कुठे फिरायला जाऊ म्हणून नेलं
आणि कुबेर हॉटेलमध्ये नेलं सावनेर रोडवर. तिथे त्यांनी आतमध्ये काय केलं, मला आतमध्ये घेऊन गेले एका रूममध्ये. मी नकार दिला तरी मला जबरदस्तीने माझं शोषण केलं. BCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट.